रुको, क्या घर से भागकर शादी करना सही है या गलत? एक मिनट का समय निकालकर वीडियो देखो। कितना आसान हो गया है ना आजकल लव मैरिज करना। 18 प्लस का प्रूफ लाओ, कोर्ट में जाओ, 2-3 हजार वकील को दो, बस हो गई शादी। पर आगे क्या? 5 दिन थोड़ा सेठ और डरे डरे रहोगे, अगले 5 दिन खुश रहेंगे, लेकिन अब क्या सब ठीक हो गया? नहीं, अब आएगी याद घर की, परिवार की, अपने बिस्तर की, अपने पड़ोसियों की, अपने दोस्तों की, अपनी माँ की, जिसका रो रो के बुरा हाल है, उस पिता की जिसने उस लड़की की शादी के लिए 1-1 रुपया बचाया था, लेकिन वह लड़की किसी और को अपना बना बैठी। कितनी शर्म की बात है ना, अपने 2 साल के प्यार के सामने अपने पिता की इज्जत, माँ का प्यार, भाई बहन की बेइज्जती, किसी भी चीज का ख्याल नहीं होता और बस चल पड़ते हैं अपना घर बसाने। एक सागर जहाँ पर ना खुशी है ना कोई दुख बांटने वाला, एक ऐसा घर जहाँ पर सिर्फ घुटन होती है। सोच सोच कर दिमाग खराब हो जाता है, फिर दोबारा घर जाने को मन करता है लेकिन कैसे जाए, फिर एक ही रास्ता बचता है खुदकुशी, एक ऐसी मौत जो अपने साथ 2 हंसते खेलते परिवारों को जीते जी मार डालती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में राइट टाइप करो।